पूरा देश रामोत्सव मना रहा है और आज के दिन को दुनिया के कई देशों में जो है लाइव प्रसारण किया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के हनुमंत धाम में, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाइव प्रसारण किया जा रहा है और इस पल को ऐतिहासिक और काफी दिव्य भव्य बनाने के लिए पूरा लाइव किया जा रहा है। दुनिया के कई देशों में इसी तरह का लाइव प्रसारण चल रहा है। भगवान श्री राम अपने दिव्य भव्य और नव स्थान पर विराजमान हो चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संदीप सिंह हैं और संजय सिन्हा जी हैं, वो भी लाइव प्रसारण देख रहे हैं और यहाँ के जो भक्त हैं, राम भक्त हैं, वो भी इस नज़ारे को अपने आंखों में कैद कर सके इसको लेकर भी यहाँ पे काफ़ी उत्सुकता है। लोग यहाँ पर प्रभु श्री राम के दिव्य जो यहाँ पे उनके अनन्य भक्त हैं हनुमान जी, उनके दर्शन भी कर रहे हैं और जो लाइव प्रसारण चल रहा है उसका भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संदीप सिंह से। सर, जिस तरह से आज पूरा लाइव प्रसारण किया जा रहा है दुनिया के कई देशों में, यहीं की बात नहीं, कैसा ये क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ही गर्व की बात है कि आज प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, आज उसमें उनका प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्य है वो संपन्न हुआ है और प्रभु श्री राम आज 500 वर्ष के बाद में उनको जिस स्थान पे हम सब लोग वर्षों से कामना करते थे कि वहाँ पे प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बने, आज भव्य मंदिर बन के तैयार है। लाखों करोड़ों हम सब सनातनियों की, राम भक्तों की जो आस्था है प्रभु श्री राम के साथ जुड़ी हुई है और ना जाने कितने सारे लोगों की इसमें उन्होंने अपनी बलि दी, अपने आप को कुर्बान किया प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को देखने के लिए। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन के तैयार है और हम सब लोग इसको साक्षी बन रहे हैं। हम सब बड़े ही अपने आप को गौरव के संग, मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से अपनी जो मेरे अंदर भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर सकूं। हम सब बड़े प्रसन्न हैं। बाबूजी की हमेशा से दिली इच्छा थी कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने और आज उनकी इच्छा पूरी हुई है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया है, रामलला विराजमान अपने स्थान पे हो चुके हैं। मुझे लगता है कि हम सब सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है और हर एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए, रामलला के पास में अयोध्या जाने के लिए उत्सुक है। हम सब लोग व्यवस्था बना रहे हैं, हम सब लोगों का प्रयास है कि हर एक राम भक्त को प्रभु श्री राम तक उनके दर्शन हम सब लोग करा सकें व्यवस्थित ढंग से। मैं सभी लोगों का आपके चैनल के माध्यम से अपने हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। जय जय श्री राम। काफी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत गौरवमय पल है ये हर एक भारतीय के लिए, हर एक सनातन धर्म के उपासक के लिए, क्योंकि ये जो 500 साल से जो चला आ रही थी, बहुत लंबी लड़ाई थी, जो कि विपक्ष इसको नामुमकिन के तौर पे बनाया हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने आज इस का जो वातावरण है पूरे विश्व में, वो आज लग रहा है कि भगवान माहौल से पूरा विश्व एक ही रंग में समायोजित है और एक ही झंडा से जय श्री राम का नारा पूरे विश्व में आज गूंज रहा है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पूरे विश्व में जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। और भी लोग सर क्या कहना चाहेंगे तो शब्द आप बताइए, क्योंकि प्रभु श्री राम काफी संघर्षों, काफी 500 साल बाद आज अपने दिव्य भव्य और नव स्थान पर विराजमान है। काफी ऐतिहासिक पल है और इतिहास के पन्नों में 22 जनवरी आज दर्ज हो रही है। अति सुंदर, अति उत्तम पल आए हैं हम लोगों के जीवन काल में, जिसकी कभी जो स्ट्रगल हो रही थी, जिसकी कभी बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज का दिन ऐसा आया है कि इतना सुंदर भगवान के वो हुए हैं, इतना सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ है जिसकी हमेशा से हम लोगों को इच्छा थी। और ये हमें वो है कि हनुमंत धाम में सब लोग बड़े अच्छे तरीके से दर्शन भी कर रहे हैं और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को भी यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, तो ये अति सुंदर पल है हमारे लिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। काफी ऐतिहासिक पल है और जो आज का दिन है, जो लाइव प्रसारण चल रहा है, हर लोग सनातनी धर्म के मानने वाले इस पल को अपनी नजरों में, अपनी आंखों में कैद कर सके, इसी वजह से यहाँ पे भी एक लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है ताकि लोग प्रभु श्री राम के दिव्य और भव्य दर्शन कर सके। वीडियो जर्नली अनिल सैनी के साथ अनुप चौधरी, वार्ता 24 न्यूज, लखनऊ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।